रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी वीडियो को और फ़ोटो को किस तरह सिक्योर कर सकते हैं। आप अक्सर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप किसी अपनी फ़ोटो या वीडियो को, घर की फैमिली की फ़ोटो को, वीडियो को आप रखना चाहते हैं, वॉलेट में रखते हैं और दोस्तों को पता चल जाता है कि ये वॉलेट है और वो किसी ने तरह इसका पासवर्ड लेके आपसे वो देख लेते हैं। अब आप इससे भी बच सकते हैं। आपके लिए एक ऐसी सिक्योर ऐप्स लेके आया हूँ, इस ऐप्स का किसी को पता भी नहीं चलेगा ये कोई ऐप्स है या कोई कैलकुलेटर है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये बहुत ही सिक्योर ऐप है। चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल पर नए आने वाले लोगों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए हमें सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना होगा। आप देख सकते हैं मेरा प्ले स्टोर ओपन हो चुका है। प्ले स्टोर ओपन होने के बाद सर्च पर क्लिक करें और यहाँ पे आपने लिखना है कैलकुलेटर बॉक्स। कैलकुलेटर बॉक्स लिखने के बाद आपने इसको सर्च कर लेना है। सबसे ऊपर जो ऐप आ रही है कैलकुलेटर बॉक्स फ़ोटो वीडियो लॉकर, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर बहुत सारी आपको ऐप देखने के मिलेंगी मगर आपने इसी ऐप को यूज़ करना है जिसके ऊपर ये लॉक सा निशान है और किसी के ऊपर लॉक का निशान नहीं है। ये इस एक अच्छी ऐप है, बाकियों से दूसरी ऐप से ये अच्छी है और ये अपने इसी को डाउनलोड कर लेना है। इस पर क्लिक करें और आपने इस यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया, इसके लिए मैं ओपन करता हूँ यहाँ से। ये आप जब इसका आप इसको क्लिक करेंगे, इसका इंटरफेस कुछ ऐसा होगा और ये बोलेगा कि आप इस पर पासवर्ड सेट करें। आपने कोई भी 12 डिजिट या 4 डिजिट, 4 से कम नहीं लगा सकते और 12 से ऊपर नहीं लगा सकते, इनमें दरमियान कोई भी पासवर्ड लगा सकते हैं। अब हम इस पर पासवर्ड लगाएंगे, जैसे मैं लगा रहा हूँ 1 2 3 4। पूछ रहे हैं कि इंटर योर पासवर्ड अगेन एंड प्रेस टू कन्फर्म। वो दोबारा पासवर्ड लगाएं, मैंने लगाया था 1 2 3 4। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पासवर्ड लग गया है। अब ये रिकवरी ईमेल के लिए मांग रहा है, इसको हम रिकवर कर देंगे। मैं अपना इसको ईमेल दे देता हूँ और ये ओपन हो चुका है। ये कुछ परमिशन आपसे परमिशन मांगेगा, आपने इसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद ये कुछ इसका इंटरफेस कुछ ऐसा होगा, ये पिक्चर के लिए और नीचे ये अगर आपने वीडियो करना है, नीचे टॉप नीचे आपको मिलेगा ऑप्शन वीडियो का। यहाँ पर आपने वीडियो को क्लिक करें, ये वीडियो का ऑप्शन आएगा। अगर आपने इसमें कुछ सेव करना है, आप इस पर क्लिक करेंगे और नीचे आपको सेव का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप कुछ भी अगर आप सेव करना चाहते हैं यहाँ पर सेव कर सकते हैं। जैसे मैं इस वीडियो को सेव कर रहा हूँ, आपने जो भी सिलेक्ट करना है उसको यहाँ सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर लॉक का निशान है टॉप पे, ये रहा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है और ये कुछ देर के बाद ये ओपन हो जाएगी और ये ऐड वगैरह चलेंगे, आप इसको डन कर देना और ये सेव हो गई है। इसी तरह आप फ़ोटो को भी, इमेज को भी इसमें सेव कर सकते हैं। आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे ऐड का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर काफ़ी ऐप्स मेरी पड़ी हुई हैं, इसको आपने यूँ क्लिक करना है। यहाँ पर आप जो चाहें ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये देखें आप, ये मेरी जो पिक्चर है वो भी इजीली इसमें आ गई है।
उसके बाद यहाँ पर आपको ऐप लॉक का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हैं, मैं नहीं करूँगा इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग में एक और इन्होंने बहुत ही कमाल की एक ऑप्शन दिया हुआ है, फिंगरप्रिंट अनलॉक दूसरे नंबर पर है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप अपनी फिंगरप्रिंट लगा लेते हैं, आपको पासवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेटर को ओपन करना है और आपने अपना फिंगर लगानी है और ये ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर चेंज पासवर्ड भी का ऑप्शन है, वो भी आप कर सकते हैं। नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं और आप ऐप का आइकन भी चेंज कर सकते हैं, फेक पासवर्ड भी लगा सकते हैं, यहाँ पर इसका थीम भी चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ही कमाल की ऐप होने वाली है आपके लिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐप ये आपको बहुत पसंद आई होगी। इस मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली